ठाकुर जी, ठाकुर जी के लखपति मतलब महापुरुष समय में
एक लाख स्वर्ण मोहन हमारे घर में सब स्वर्ण मोहन। जब भगवान बोले आपका हमारे घर में भजनी नहीं करेंगे, तो महाप्रभु बोले असली लखपति कौन है, रोजाना जो एक लाख भगवान का नाम ग्रहण करते हैं वो असली। इसलिए मुझा कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हिरे मोती विक्राम गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लुटे वो सब माला माल हुए, पर माया के जो बने जाए आखिर वो कंगाल। असली लखपति कौन है, एक लाख जो है ना ग्रहण करते। इसलिए जैसे हम किसको पैसा दें हम कैसे देते, पैसा लो किसको पैसा देते हैं, लेकिन लेते हैं जब कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं। इसलिए हम जो भगवान के नाम जब करते हैं कैसे नहीं, ऐसे ये माला नहीं ये क्या है, ये भगवान नाम ये असली कमाई माल है। हम माल जब कर रहे हैं ना, माल को इकट्ठे कर रहे हैं, इकट्ठे माल कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु करते रोजाना एक लाख नाम ग्रहण करनी चाहिए, तभी भगवान हमारे हाथ का कोई वस्तु को ग्रहण करते। अगर हम सारा दिन सेवा करते हैं, अगर हमारे पास में समय नहीं एक लाख नाम करने को, अगर हम हाथों में सेवा करते करते अगर हर समय चौबीस घंटा अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भी हमारी एक लाख हरिनाम हो जाएगी। अगर कोई एक लाख हरिनाम रोज करना, अब देखना उठते बैठते सोते रात का नींद का समय में भी अगर स्वप्न आएगा तो भगवान का नाम सुनना। जैसे हम लोग कोई सोलमाला के करते हैं, अब सवेरे से लेकर शाम तक सोलमाला ही पूरी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक लाख हरिनाम करने के लिए कोशिश करे तो सारा दिन उसको नाम के सिवाय उसके दिमाग में और कोई चीज़ आए ही नहीं, केवल प्रभु का नाम 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 ही उसके दिमाग में आएगा, कोई चीज़ आएगी नहीं उसके दिमाग में। और भगवान के नाम को चिंतन करते करते जीवन बीत जाए इससे बढ़िया होती जाए तो कुछ नहीं। इसलिए बोले अभिनंदवार नाम ने भगवान और उनका नाम ही भेद नहीं बल्कि हरी से बड़ा हरि का नाम। यदि ये प्रभुपाद का आठवां उपदेश है तो नवा उपदेश क्या है, गत अपराध त्याग करिया हरिनाम ग्रहण की इच्छा कर ले सकल समय हरिनाम करते करते अपराध जाइवे। क्यों बताए, जब तक हम अपराध परित्याग करके हरिनाम नहीं करेंगे, हरिनाम का जो वास्तव जो फल है कृष्ण प्रेम, यदि ये कृष्ण प्रेम नहीं है जब तक अपराध छोड़ करके हरिनाम ग्रहण नहीं करेंगे। अभी कभी कोशिश करें तो कभी नौ तरह का अपराध तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक अपराध छोड़ना पड़ेगा। यदि शरीर में मैं और मेरा यदि ये जो आवेश है बद्ध जीवों का ये सहज नहीं छोड़ता, अगर कोई हृदय से कोशिश करे नहीं हम अपराध परित्याग करके हम हरिनाम ग्रहण करें, अब इसका सरल उपाय क्या है, तब प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई 26 घंटा में 26 मिनट हर समय क्या करे भगवान के नाम करते रहे हाथों में सेवा और भगवान की अगर नाम करते रहे हृदय से कोशिश करे कि अपराध मेरी कैसे जाए अपराध मेरी कैसे जाए, अगर हर समय नाम करते रहे तो उसका धीरे 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 वो अपराध भी अपराध नष्ट होता है। और अपराध रही का जो नाम है वो शुद्ध नाम नहीं, कई नामापराध कहीं नामाभास होता है लेकिन वो शुद्ध नाम नहीं होता। इच्छा कर ले सकल समय हरिनाम करते करते अपराध जाए वे, सब समय हरिनाम करते 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 अपराध दूर हो जाए। यदि प्रभुपाद का नवमा उपदेश है, यह दसवां उपदेश क्या है,
बोले लेखा पढ़ा वो पांडित्य शेष तथा श्री हरिनाम कीर्तन कहते लेखा पढ़ा वो पांडित्य शेष तथा हरिनाम कीर्तन मतलब समझ में आता है थोड़ी देर लेखा पढ़ा इसलिए यहाँ कहते हैं हमने जो इतना लेखा पढ़ा सीखा है और हमें जो इतने बड़े कोई बड़ा पंडित है कहते उसका सार क्या है शेष कथा मतलब उसका जीवन का सार क्या है बोले हरिनाम अगर हमने बहुत लेखा पढ़ा सीखे लेकिन भगवान के नाम में रुचि नहीं कहते वो लेखा पढ़ा क्या नाम है इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को जब केशव काश्मीर को परास्त किया बहुत बड़ा विद्वान माँ सरस्वती जिसको जिहा में बैठ करके स्वयं बात करती थी हाँ वो जहाँ जहाँ गए सबको उन्होंने परास्त किया उनके सामने कोई टीक नहीं पाते थे लेकिन जब उन्होंने सुना उसी समय जो नवद्वीप धाम है वो विद्या के केंद्र था उन्होंने देखा पृथ्वी को तो मैंने जय कर लिया लेकिन केवल एक देश रह गया नवद्वीप धाम हमने सुना विद्या सर्वश्रेष्ठ केंद्र है अगर नवद्वीप धाम को मैं परास्त कर दूँ पृथ्वी मेरी हाथ की बुद्धि में है जो उन्होंने आए अगर नवद्वीप को काम सरस्वती श्री जिहा में बैठने की बात करके उससे भैया कौन लड़ सकता है कौन तर्क वितर्क कर सकता है माँ सरस्वती से बात करती है बोले एक काम करते हैं कि निमाई पंडित ये तो छोटा बच्चा लेकिन कभी कभी हमें हम लोग ऐसे प्रश्न करता है इसका प्रश्न का उत्तर हमारे पास में नहीं रहता एक काम करते उसको साथ में भिड़ा दे अगर किसी तरह से अगर वो जीत गया ना गैर तो हमारे झिझिकार हो जाएगा नवनी नाम बोले देखो एक छोटा सा बच्चा है एक छोटा सा बच्चे को सामने हार गया हम तो बड़े बड़े पंडित थे अगर हार गया तो अरे एक छोटा बच्चा एक छोटा बच्चा हो तो 15 साल का बच्चा हार गया तो कौन हो गया अरे छोटा बच्चा था ऐसे बाहर में डाल दे इसलिए उन्होंने महाप्रभु साथ उन्होंने भिड़ा दिया तो इतने में महाप्रभु ने उनकी बड़ी महिमा गाई बोले हमने सुना बहुत बड़े विद्वान देखो ये सामने गंगा रह रही है थोड़ी सी इसकी महिमा को गाय विश्वास पंडित जो है ना पंडित लोग वो थोड़ी सी सुजोग ढूंढते हैं कहीं कि पंडित जो प्रकाश नाम पर कर थोड़ी सी सुजोग ढूंढते हैं जब महाप्रभु इतना बोले कहीं से श्लोक को याद करते करते नहीं कहते श्लोक बना बना करके झड़ आदि तूफान जैसा आए ना ऐसे ही आदि तूफान जैसे बोल रहे थे और उन्होंने 100 श्लोक को एकदम वर्णना करते 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 100 श्लोक बोल दिया महाप्रभु का इतना भक्तों को बैठे हुए इतना स्तब्ध रहे इतना बड़ा विद्वान कहीं से याद करके नहीं अब तक धड़ाधड़ा एकदम श्लोक को बना 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 करके बोल रहे हैं इतने बड़े विद्वान सब देख कर इतना आप फटी की फटी रहेगी ये भगवान हमने कभी जिंदगी में इतने बड़े विद्वान देखे ही नहीं इतने में महाप्रभु ने बोले देखो आप तो श्लोक ही श्लोक बोले सब लोग तो संस्कृत तो सबको पता नहीं अगर थोड़ी सी आप उसको व्याख्या कर देते ना सब लोग को पहले भी कुछ ना कुछ पढ़ता वो बड़ा चतुर है केशव दास जी सोचा मैंने इसको बात बात को परास्त कर देता उन्होंने पूछा बताओ कौन सा श्लोक तुम्हें व्याख्या करो वो सोच रहे थे 100 श्लोक मैंने बोल जगत में तो ऐसे कोई है नहीं जो सुन के ब्याह करते इसलिए मैं बात बात उसको परास्त कर देता उन्होंने पूछा बताओ कौन सा श्लोक को व्याख्या करो उसको थोड़ी कोई शास्त्र में तो कोई है नहीं जैसा अपने आप स्वयं वर्णना करते 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 वर्णना की लोग बोल नहीं पाए अपने आप परास्त होगा लेकिन महाप्रभु तो सरस्वती का भी करती उन्होंने बीच से एक 4 लाइन के श्लोक में उठा दिया गंगायाम सततम निभाति जब विष्णु चरण कमल एक श्लोक है उन्होंने 4 लाइन से एक श्लोक बीच से 4 लाइन के श्लोक उन्होंने उठा कर करके ये श्लोक का व्याख्या करो मैंने आंधी तूफान जैसे बोल करके चला गया बीच से 4 लाइन श्लोक को मुखर से कर दिया याद कैसे कर दिया जो भैया तुमने याद कैसे की देखो
अगर कोई सरस्वती कृपा से अगर कोई इतने पांडित्य प्राप्त कर सकते हैं भैया सरस्वती कृपा से कोई सुधिधर मतलब एक बार सुने और जिसको याद करने के लिए हो सकता है। जब उन्हें व्याख्या करने के लिए गई महाकुंडली अंत मध्य और भाष में इतने एक श्लोक में दो श्लोक ने दिखाया इतने दो उन्होंने बोले तीन जगह में दो बोले यार मेरे वर्णना में दो से भी इतने में वर्णना जगत में कोई जन्म नहीं हुए जो कि कोई दो से दिखा सकते हैं। इसमें तो अलंकार अनुप्रास उसमें अलंकार अनुप्रास उसमें सुंदर सुंदर शब्द मैंने प्रयोग किया बोले अगर आपका आदेश हो तो बोल सकता हूँ बताओ तभी मैंने बताया उसमें श्लोक अंदर कितने दोष है बोले भवानी भर्तु एक शब्द है भवानी भर्तु मतलब होता है भवानी किसको कहते हैं भव का जो पत्नी और पार्वती फिर उन्हें भर्तु भर्तु मतलब पत्नी इसका मतलब भवानी मतलब हो गया जो भव का शंकर जी का पत्नी पार्वती भर्ता फिर दो बार हो गया इसका मतलब हो गया पार्वती का दो पति इसमें क्या दोष है पार्वती का दो पति तो कही ऐसे वहाँ पर बहुत सारे विचार महाप्रभु ऐसे ऐसे विचार दिखाया जिसको सुन करके उसको तो आत्मा लगे और जितने महाप्रभु के वहाँ भक्त लोग बैठे हुए थे उन्होंने जो बात बात में जो उसमें दोष दिखा रहे थे ना भक्त लोग तो जोर जोर ताली बजाना शुरू कर दिया महाप्रभु तो अमानी धर्म का अमानी को मान देने वाले सब को यथाजथ सम्मान देने वाले महाप्रभु महाप्रभु ऐसे मत किया करो हैं इसलिए ऐसे अपमान नहीं करनी चाहिए क्यों क्योंकि जो बहुत कोई बड़े व्यक्ति होता है ना उसको कहीं से हम बीच में अपमान करो तो मरने का बराबर हो वो कभी कभी इतने दुखी होकर सुसाइड कर देते हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा देखो आज आप थक गए हो अब जाओ फिर कल आए कल पर आप विचार करें वो तो समझ लो महाप्रभु ने पूरी तरह से हरी सभा में पूरी तरह से हमको परास्त कर दिया उन्होंने उन्हें लगता है माँ सरस्वती मेरे ऊपर नाराज फिर गए सरस्वती का मंत्र जब करते 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 बोले आज ऐसे कैसे हो गया मेरे मुँह से इतने गलती कैसे निकल गई सरस्वती लगता है नाराज मेरे ऊपर मंत्र जब करते 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 सो गए जब सो गए इतने में माँ सरस्वती वहाँ प्रकट होती है मेरे बेटा आज तेरे पढ़ाई लिखाई तुम्हारी आज सार्थक का क्योंकि आज तुम जिसको साथ में तुम्हारी मुलाकात हुई है यदि ये गौर नारायण है तेरे भक्ति इसलिए सारा दुनिया में तुम जीतता था चूंकि तेरे जीवा में बैठ करके मैं बात करती थी अब वो मेरे पति पत्नी कभी भी पति को सामने सर ऊंचा करके बात नहीं करती हर सिर्फ पति को सामने सर नीचा करके पत्नी बोलती हूँ तो मेरे पति जब मेरे पति को सामने तू सर ऊंचा करके बोलने के लिए गया मैंने तेरे जीवा से अंदर ध्यान हो गया तेरे अंदर दुर्गा है ही नहीं सब तो मैं बोलती थी और उसलिए तू परास्त हो तो सरस्वती कहते देखो मेरी जो कृपा है ना दो तरह का है बोले क्या दो तरह की कृपा है कहते मैं जिसको पर मैं सही सही कृपा करती हूँ तेरे विद्या का फल क्या है बोले भगवत भजन भगवत भक्ति मैं उसको भगवान तक पहुँचा देता हूँ जिसको पर मैं सही सही कृपा करती हूँ और जिसको पर मैं कृपा करती नहीं फिर मैं क्या करती हूँ कहते संसार में उसे गधा बना देता हूँ उसको संसार में गधा बना देता हूँ इसलिए भक्तों ठाकुर कहते हैं क्या कहते हैं बोले विद्या से परम कह रहे हैं हमने क्या क्या विद्या विलास से काटा जिंदगी भर विद्या पढ़ने के लिए क्या क्या मैंने सारे समय को इसी में लगा दिया फिर क्या हुआ बोले गर्द परिश्रम परिश्रम कार लागी
कहते हैं कि हम संसार में क्या कर रहे हैं, सरस्वती क्या कहती है, बोले संसार में हमें गधा बना दी है। गधा क्या करता है, तीन बार पीठ को करके बोझा ढोना, तीन बार बाहर के देखो दाल चावल चीनी है सब्जी पीठ को ऊपर में सब कुछ भरेगी, लेकिन माली कमी है नहीं सोचता भैया चीनी की बोरी के बोरी भैया उसको एक ग्लास शरबत बना के जो देता है, अभी थोड़ी सी पराठा बना करके दे, इतने आलू लाया इतने उसने सब्जी लाया इतने आटा लाया एक पराठा बना कर खिलाया, जब खिलाता है क्या खाता है घास खाता है भूस खाता है बाजार में वो भूस खाता है, इसलिए सरस्वती कहती है मैंने इसको संसार का एक गधा बना देता हूँ। संसार में देखना, संसार में जो घर का मालिक होता है देखना सब कोई कोई सब सब लोग खाने का बात फिर उसको खाना मिलता है कोई खाता है सब बच्चा कच्चा होगा तो फिर खाता है, अगर नहीं हुआ तो है एक समय एक व्यक्ति जो ऑरेंज है ना क्या बोलते संतरा संतरा वो खरीदी करके ले जा रहा था, हमें गुरु जी का प्रश्न संतरा खरीदी करके ले जा रहा था, वो जाते समय ना रास्ता में एक और करके रास्ता में खा खा रहे, एक व्यक्ति ने पूछा भैया तू रास्ता में क्यों खा कर जा रहे, बोले घर में जाने पर भी हिस्सा हो घर में जाने पर इसका हिस्सा हो, अगर एक आध अगर मेरे हिस्सा में पड़ेगा तो नाती बोलती आकर छिपेगा, इसलिए मैंने सोचा घर में जाकर मैं खा नहीं पाऊंगा, इसलिए रास्ता में एक को रास्ता भी कम सके मैं खा के चलेगा, इसलिए यहाँ सरस्वती देवी मैंने जिसको पर कृपा नहीं करती ना उसको संसार में एक गधा बना देता हूँ, गधा जिसे तीन बार परिश्रम करता है ऐसे ही दिन भर संसार में काम करते रहता है, बोले मैंने गद्दे पर कार लागी इतने बड़े नागोश लग रहा हूँ, वो कह रहे हैं भैया तुम जो इतने परिश्रम करो किसके लिए कर रहे हो, तो सदस्य का पुत्र पुत्रा जब वहाँ है वही काम जगत में तो कोई किसका है, ये तो धर्मशाला के बच्चे हैं जैसे संस्कृत धर्मशाला में बहुत सारे लोग आए इकट्ठे बैठे तुम कहाँ से तुम कहाँ से तुम कहाँ से तब व्यक्ति सब है, ये संसार तो धर्मशाला है और मुझे है नहीं तुम्हारी बीवी हो मैं तेरे पति हो तुम मेरे बेटा हो तुम मेरी बेटी हो ये तो गप्पे मार रहे हो कुछ है ही ना, ये बोले किससे अरे संसार है छायावादी पराए यार के ममता करी बेटा मिल जाए बद्रू ठारो कहते किसे अरे संसार है छायावादी पराए हाँ किसे अरे संसार ये जो संसार किस चीज संसार है ये छायावादी धोखेबाजी है, यदि यहाँ पे ममता करी बेटा मिल जाए इसके प्रति हम प्रेम करके हमारा जो समय बेकार समय जा रहे क्यों कोई तो इसका है ही नहीं, ये तो झूठा संसार है देखना आप कैसे जब जेब में पैसे पैसा अगर जीत प्रभु सुनाते हैं हाँ ये जीत प्रभु का पानी है, इसलिए इसलिए ये सरस्वती स्वयं कहती है बात को सरस्वती स्वयं कहती है तो देख बेटा जिसको मैं कृपा नहीं करके ना संसार में गधा बना दी और गधा बना करके काम करते 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 जीवन शेष उसको, इसलिए भागवत ने बताया सभी बराव कष्ट करी संस्कृत पुरुष पशु न जत कर्ण पथ वेद जातु नाम बना कर, जब जो भगवान की भजन नहीं करते हैं उनको बताया स्त्री पद ताड़ित विश्वनाथ को कहते हैं स्त्री पद ताड़ित, जो उदाहरण दिया है गधा दिन भर काम करता हूँ उदाहरण दिया है गधा दिन भर काम करता हूँ करते 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 थक जाता सोचता है मैं जो फिर रात को जाऊँ ना तो घर पे रात पे जाऊँ मेरी जो गद्दी है कम से कम थोड़ी सी प्यारी तो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बोली तो बोली थी थोड़ी सी प्यारी प्यारी कदे को कदे आप देखना जो गद्दी उसको पीछे नहीं चलनी चाहिए गद्दी लात मारती है गद्दी लात मारती है क्या उसी तरह संसार में दीर्घ भर परिश्रम करके संसार क्या स्त्रियों का लाभ खाना देता है ये नहीं किया ये और ये नहीं किया ये नहीं किया मेरे लिए साड़ी नहीं लाया मेरे लिए अलता नहीं लिया मेरे को ब्यूटी पार्लर नहीं ले लिया मेरे को सिनेमा में घुमाने के लिए नहीं ले लिया ये सारी गाली, इसलिए सरस्वती कहती हैं लेकिन जिसको पर मैं कृपा करती हूँ जिसको पर मैं सही सही कृपा करती हूँ
कहते मैं इसको मैं अपना परिवार को पास में मेरे प्रभु को पास में ले जाती हूँ। बेटा आज तुम्हारी विद्या की सार्थकता हो गया, जिसको साथ तुम मिले हो वो मेरे पति है, तो मेरे गौरव नारायण है, इसलिए तुम्हारी विद्या पढ़ना सार्थक हो जाओ, उनके चरण में शरणागत हो जाओ। अरे वो एकदम सवेरे सवेरे महाप्रभु के पास में आए, जब महाप्रभु के पास में आए चरण में गिर गए। महाप्रभु बोले क्या हो गया तो मेरे चरण में क्यों गिर रहे हो? तो प्रभु माँ ने मेरे को सारी बात बताया, आप स्वयं गौरव नारायण ये माँ स्वयं बताए, प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो, मेरे ऊपर इतनी कृपा करो। फिर महाप्रभु क्या कहते हैं? बोले देखो केशव काश्मीर, विद्या पढ़ने का तात्पर्य क्या है? हैं, विद्या पढ़ने का तात्पर्य क्या क्या है? इसलिए विद्या पढ़ने का ये मतलब नहीं सारा दुनिया को परास्त करते रहो और सबको नीचा दिखाते रहो, ये विद्या पढ़ने का तात्पर्य नहीं। कहते सही से विद्या फल जानिया दिखाए कृष्ण पाद पद में जदी चित्त वृद्धि लाए, हैं सही से विद्या फल जानिया निश्चय, तभी ये विद्या की फल क्या है अगर भगवान के चरण में अगर हमारी चित्त वृद्धि रहता है। बोले विद्या पढ़े के ना, बोले एक व्यक्ति विद्या क्यों पढ़ते हैं? विद्या पढ़ के ना बोले कृष्ण भक्ति जानी, बोले भगवान की भक्ति को जानने के लिए। बोले सजदी नहीं लो तो विद्या ही करे, सारे विद्या पढ़ लिया लेकिन भगवान की भक्ति भक्ति नहीं किया, भजन ही नहीं किया, इसलिए विद्या से क्या लाभ है? बोले कहते हैं छाड़िया चली ले विद्या व पौरस सबके पीछे नहीं चले, जब ये शरीर छूट जाएगा उन्हें जो एम ए पी एच डी डॉक्टर इंजीनियर किया संगे किचू नहीं चले, ये डिग्री पूरी कुछ नहीं चलता है। अंतिम समय में क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य को तो कहते हैं सब जितने भगवान का नाम बजरे क्या वही जा रहे हैं और सब झूठा नहीं। इतो को महा तो तुम सर्व परिहरी करीन ईश्वर पूजा दृढ़ चित्त, फिर जगत में जो महान महान मतलब जिसका मोह अंत हो गया, जिसका मोह खत्म हो गया वो क्या कहते हैं? करीन ईश्वर पूजा दृढ़ चित्त करके भगवान की चरण की भक्ति करते भजन करते। बेटा अभी सारे पांडित विद्या को छोड़ो, छोड़ कर क्या करो? भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, यही सारे शास्त्र का सार। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं? लिखा पढ़ा वो पांडित शेष कथा की, मैंने हमने जितने लिखा पढ़ा सीखे इतना विद्वान बने, शेष कथा, शेष कथा मतलब उसका सार क्या है? उसका सार है हरिनाम संकीर्तन, उसका पूरा पूरा सार है ना संकीर्तन। जैसे प्रभु सुनाया था ना क्लास फाइव पास कर लो बस सब कुछ हो जाएगा, क्लास फाइव बच्चा एकदम बढ़िया से पढ़ लेता है, बोले भैया सारा दुनिया क्लास फाइव करता है, जब टेंथ ही सबसे ज़्यादा इंपटा अभी टेंथ में आ गया, बोले अगर इसको अच्छे तरह से मार ले है ना पास हो गया टेंथ कर लिया तो सारा दुनिया करते कितने कौन से बार बोले ट्वेल्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा कॉलेज में जाओगे सब्जेक्ट ट्वेल्व में कर लिया तो सारा दुनिया करता है, अरे बोले अगर इंजीनियर डॉक्टर अगर तो सी ए बन गया ना बस बस तुम्हारी हो गया कर लिया, बोले भैया दुनिया करते हुए नौकरी करो, अभी नौकरी क्या? बोले भैया नौकरी इतने लिखाई पढ़ाई नौकरी करने का क्या तात्पर्य? शादी करो, शादी के लिए तो सब क्या ना बढ़िया घर मिल जाए मकान दुकान मिल जाए तब तक किसी को इतना लिखाई पढ़ाई, अगर उसने शादी कर लिया बढ़िया शादी करो और नहीं करता बच्चे जन्म बच्चे जन्म दुनिया बच्चे जन्म कर देता है उसको तो लिखाई पढ़ा बड़ा करो अभी कर लिया पूरे सारा दुनिया बच्चों को बड़ा उसको शादी भी दिलवाओ शादी करो शादी कर सारा दुनिया बोले अभी तो उसके बच्चा ही नाती होती पर करते करते जीवन जो खत्म लास्ट में जो शरीर छूट जाएगा क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल कहते है सब कोई वाली का बेटा अभी तो क्लास फाइव टेन ट्वेल्व सब कुछ किया ना सब होता है। सत्य क्या है? भगवान की नाम ही सत्य है, इसलिए क्या करनी चाहिए? पहले तो सत्य में लगो पर झूठे में क्यों लगे पड़े हो? बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी
प्रभुपाद में दसवां उपदेश है, पहले ग्यारहवा में समाप्त कर देते हैं। बोले ग्यारहवा उपदेश क्या है? बोले संख्या निर्बंध राखिया उच्च स्वरे कीर्तन कर ले अनर्थ निवृत्ति है, जात्य प्रवृत्ति पलायन करे, यमन की हरि विमुख गण आर विद्रुप करते भारी वैसा। बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं बोले संख्या निर्बंध राखिया उच्च स्वर कीर्तन करता है, बोलना अरे हरिनाम करो करो, ये संख्या पूर्वक करने का क्या जरूरत नहीं, संख्या की बड़ा जरूरत है। हम भजन में हम उन्नत हो रहे हैं ना, भजन में हम घट रहे हैं ये पता नहीं चलेगा, बल ये संख्या पूर्वक नाम से ही ये पता चलता है। जब संख्या पूर्वक नाम करेंगे, क्यों कलयुग केवल नाम आधार और सुमिर सुमिर नर उतरे, हमारी भक्ति बढ़ रही ना घट रही इससे पता चलता है, है? क्योंकि भगवान पर उनका कोई हर्ग नहीं है, इसलिए संख्या पूर्वक नाम बढ़ाना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले पहला यही महामंत्र और यहाँ जब दिया सवे करिया निर्बंध, यह इतने सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व भक्तों को लेते। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैंने जो तुमको हरिनाम किया है ना, यह इतने सर्व सिद्धि है वे सवार, ये हरिनाम से क्या होगा तुमको सब कुछ मिलता है सर्व सिद्धि। लेकिन एक आश्चर्य चीज देखो, एक बड़ा आश्चर्य चीज, हरिनाम को करा ही सर्व सिद्धि प्राप्त हो, सब कुछ उसको नाम चिंता नहीं करता। लेकिन आश्चर्य की बात देखना उसमें हमारी रुचि नहीं होती, ये बड़ी आश्चर्य, इसमें रुचि नहीं होती, रुचि होती है दुनियावारी चीज में, शायद हम लिखा पढ़ा सीख करके बहुत चाकरी करके सब सब शायद हम सब सब कुछ कमा लेंगे, हम दुनिया के बिजनेस इधर उधर करके शायद हम जीवन में सब कुछ कमा लेंगे, हैं? लेकिन जिस हरिनाम से, और देखो एक बच्चा कितने कष्ट से लिखाई पढ़ाई करता है, आठ आठ दस दस घंटा काम करता है, फिर संसार का सारे काम करता है, वो कर लेता है, लेकिन अगर सचमुच से थोड़ी सी भगवान के नाम को ठीक से कर लेना उसको जीवन में सब कुछ मिलता है। देखो हमारे गुरु गर्भ को देखो, प्रभुपाद को देखो, हमारे गुरु देव को देखो, भक्ति विनोद ठाकुर को देखो, उनके हरिनाम कर को देखो, सारा दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन गुरुदेव बोले ना, गुरुदेव के पास में भक्त लोग आए, अब सुना था गुरुदेव के पास में भक्त लोग आए, गुरुदेव ने 10-15 मिनट की कथा सुनाई और कथा सुना के बाद भक्त लोग ने प्रणाम किया, गुरुदेव ने लेकर तकिया पेश कर दिया। जब सब चले गए तब कोई एक लड़का था, बोले तुम क्या कर रहे हो, बोले नौकरी करते हैं, बोले कितना तनख्वाह मिलता है, बोले 50,000 रुपया, बोले कितने दिन, बोले 30 दिन में मिलता है, बोले दिन में कितना घंटा काम करता है, 8-10 घंटा, तो 8-10 घंटा एक महीना 50,000, कभी मैंने 10-20 मिनट कथा सुनाया तकिया से निकालो कितने पैसे, इसलिए भगवान की जो भक्ति है, इसलिए गुरुदेव बोलते थे एक समय जब रूप सनातन मठ बन रहा तो हमारे मठ बन रहा था जो हमारी वहाँ की गोबर था, गुरुदेव बोलते थे जब मैं हरिनाम करता था तो कोई पुरुष के सामने बैठ कर के सोचता था इतने बड़े वार्ड शुरुआत कर दिया पैसा कहाँ से आएगा, मैं केवल इतना सोचा मांगा नहीं, सोचा तो पता नहीं अपने आप कहाँ से भक्त लोग आ रहे थे, अपने आप पैसे दर्शन कर दिया, अपने आप पैसे दर्शन कर दिया, वो अपनी स्नागर में गुरुदेव थे एक अपना अपना नाम पर एक ही रूप बनाना चाहते, बोले गुरुदेव मैं भी एक रूप बनाना चाहता, बोले गुरुदेव पता नहीं कहाँ से आए, वो अपने आप हो गया। गिरिराज भट्ट देखा ना कितने करोड़ रुपया अरबों खरब रुपया, बोले भगवान की जो नाम है इसके सर्व सिद्धि मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है उसमें हमारी रुचि दुनिया की, शायद ये कर्तव्य पर हम ये करते हैं, शायद ये कर्तव्य पर हमारी ये हो जाएगा, शायद ये कर्तव्य, लेकिन जो जिसके अंदर सर्व सिद्धि होगा उसमें हमारा रुचि नहीं होता है। इसलिए बोले ना जीवा जब असर बनते हैं क्या श्लोक है, सुलभ हाँ सुलभ भगवत नाम जीवा जब असर बनते तथापि नरकम जाति किम आश्चर्य जनकम,
कहते हैं सुलभम भगवत नामम, मतलब भगवान का नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं, बिना पैसा सुलभ है। जीवा च वसवती, जीवा हमारी वसीवत है, जैसे बोले कि भाई तथा नरक में जा, कभी जीव नरक जा रहे, बोले इससे आश्चर्य क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं संख्या निर्बंध रखिया उच्च स्वर कीर्तन करता है, संख्या को नियम करके उच्च स्वर में है, उच्च स्वर में हरिनाम करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, बोले इससे अनर्थ निवृत्त होता है और जाते प्रवृत्ति पलायन करे। आप देखना करते धीरे धीरे मन मन हरिनाम को नहीं दिया जाता, लेकिन थोड़ी सी हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जोर जोर से करो, जाते नहीं जड़ता नहीं आते, नींद चली जाती है। तद पलायन कर एमन की हरि विमुख गण आर विद्रुप करते पारिवेना। तब जो हरि विमुख व्यक्ति है, कभी कभी भजन करना, कभी कभी क्या होता है कोई हमारे पीछे लग जाते हैं, कोई हमारी पीछे लग जाते हैं, तरह तरह का परेशानी करते हैं। प्रभुपाद करता अगर उच्च स्वर से निर्बंध करिए हरिनाम जोर जोर से करोगे तो तुम्हारी जो प्रतिकूल व्यक्ति तुम्हारे जीवन को प्रतिकूल नहीं ला सकते, क्योंकि जो भगवान का नाम आश्रय कर ग्रहण करेंगे, जैसे हरिदास ठाकुर को भगवान रखा किए, प्रहलाद महाराज को उसी तरह भगवान भी हमें रक्षा करेंगे, विद्रोह नहीं कर सकते। नरसिंह भगवान ने क्या करते समय रसिया नरसिंह देव कैसे रखा गया, एक समय रसिया में वो तो पहले कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन इसको उनके भक्त लोगों ने तब भी उन्होंने छुप छुप करके हरिनाम प्रचार किया, भगवान की उनको भगवान क्या कृपा, छुप छुप कर उन्होंने हरिनाम प्रचार किया, लेकिन उनको देश में हरि कीर्तन प्रचार निश्चित है। अभी पकड़ गए तो कुछ भक्तों को जेल में बंद कर दिया, लेकिन वो जेल में बैठी बैठी करके भी ब्रेड नहीं, वो ब्रेड खाने के लिए देते थे ना, वो ब्रेड में माला बना दी, 108 ब्रेड में माला बना करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला जेल में बैठ बैठे रहना है। पिछली बार परिक्रमा में एक दो भक्तपति भक्त आए थे जो जेल में थे, पिछली बार आए तो गुरुदेव के पास में आए, स्वामी महाराज का शिष्य हो गए। अभी क्या हुआ, जो जेल में बंद है गलत काम किया, ये लोग को सजा दी जाती है और अलग अलग रूल बना हुआ। अभी जो उनको जो सजा देने वाले उनको मारते 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 चिक चिक रख नहीं और नहीं करेंगे छोड़ दो और नहीं करेंगे गलती हो गई माफ कर दो करते 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 और जो हरे कृष्ण जो भजन कर रहे थे अभी वो देख रहे हमारे भी नंबर आ रहा है हमें भी बिताएंगे। अभी वो उन्होंने देखो भगवान तैयार बैठ करके हरिनाम कर रहे नरसिंह देव को याद रहे नरसिंह देव आप ही प्रहलाद महाराज को रखा किए हो हैं आप ही हमें रखा करो भगवान बुला रहे हरिनाम कर रहे। अभी आ करके ना ठीक उनको पास में आकर के समय हो गया चला गया दूसरे दिन भी नंबर आया भक्तों का नंबर आएगा, लेकिन रात भर उनका नाम जप करते रहे ठाकुर को बुला कर। इतने में नरसिंह देव जो व्यक्ति मार रहा था ना नरसिंह देव वहाँ पर खड़े हो गए और जैसे ताजी हैं जो नवद्वीप में जैसे नरसिंह देव से छाती में बैठ कर छाती फाड़ने के लिए तैयारी हो गई ऐसे ही नरसिंह देव प्रकट हो गए उस घर में और जो छाती पर बैठ गया बैठ करके बोले दुष्ट कल से मेरे भक्तों का नंबर है अगर तुम मारोगे ना तेरे जान ले लूंगा देख मैं कौन हूँ। वो तो नरसिंह रूप था भयंकर रूप था छाती में बैठ गए और उनको छाती में नाखून लगा दिए और वो चिल्ला लगे बोले नहीं उनको नहीं मारूंगा मेरे को छोड़ दो नहीं मारूंगा तुम कौन हो। वो व्यक्ति ना सवेरे सवेरे आए एकदम सवेरे सवेरे जो भक्त लोग पास में भले तुम्हारे भगवान कौन है उनको बोल दो तुमको मैं कुछ पर कोई मार करने का कष्ट नहीं तो उनको बोल दो मेरी गलती हो गई मार करने उनको बोल दो। मैं देखा रात में कोई एक भयंकर कोई जानवर आ गया और मेरे छाती में बैठ गए तो मेरे को मारना शुरू कर दिया तुम्हारे ठाकुर जी को मास्टर को बोल दो मैं कुछ नहीं करूँगा तुमको कुछ नहीं करूँगा। ये रशिया की सही है अगर हम सच दिल से भगवान को बुलाए ना भगवान को याद कर ठाकुर जी
अभी भी भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं, ठाकुर जी भक्तों को रक्षा करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उच्च स्वर में अगर हरिनाम करेंगे, भगवान कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, जो तुम्हारी भक्ति प्रतिकूल वस्तु है, जो तुम्हारे विद्रोह करने वाले, विरोध करने वाले, कभी अपने आप शांत हो जाए, कभी अपने आप शांत हो जाए। इसलिए हमें विश्वास करके भगवान के नाम कीर्तन भजन हमें विश्वास सबसे करनी चाहिए। ठीक है, पंचाकल कृपा भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद भजो श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो राम राम हरे हरे बोलो राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम
जाए। हे हरी हरी।